नहीं मैडम, मैं सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीता एक्चुअली, वो सॉफ्ट। जूस रे, पैशन फ्रूट लेमन का जूस अच्छा वो वाला। हाँ हाँ दो दो। मैं एक्चुअली गाड़ी लेके जाके पानी लेके आया था शॉप से। वो गाड़ी लेके जाके पानी लेके आया मैं। पानी बनाया लेके तू, मैं बनाया था तुमको, तुमको हाँ पता है इसलिए मैं रुकी। हाँ हाँ हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ये देखो आज मैं लेके आ रहा हूँ आई मैक्स कंपनी का कार वॉशर। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि भाई आई मैक्स कंपनी का मशीन का रिव्यू करो, तो मैंने फाइनली ये मशीन ऑर्डर करके लेके आया हूँ। मैं आपको आज फटाक से जो है ना आप, मैं आपको खुल के बताता हूँ अंदर क्या क्या है, जल्दी जल्दी बताता हूँ और बाद में आपको इसको सीधा वॉश करके बताऊँगा। एक्चुअली जो मैंने आई मैक्स में मैंने क्या किया, आई मैक्स कंपनी का और एक फोम केन भी मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर किया है। बाद में आई मैक्स का जो मशीन और आई मैक्स का फोम केन है ना, और बाद में आपको दोनों मिला के आपको कार वॉश करके बताता हूँ, देखना कैसा काम करता है। चलो तो फिर ज़्यादा देरी नहीं करूँगा, मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं जल्दी जल्दी ये टेप भी सब निकाल के खोल के अंदर का सामान दिखाता हूँ अंदर क्या क्या है। एक्चुअली नॉर्मली जो बाकी जो कंपनी में जैसा आता है उसी तरह का रहेगा ये भी। ये देखो ये जो मैनुअल बुक दिया हुआ है और ये इनपुट पाइप और एक्स्ट्रा ये जो सोप डिस्पेंसर जिसमें से फोम नहीं निकलता है, खाली पानी जैसा निकलता है। ये देखो ये पाइप, ओके इनपुट पाइप है। ये गन, इसमें हम देखेंगे अंदर से फोम केन लगाने को मिलता है कि नहीं। यस, ये बाहर साइड में थ्रेड निकला हुआ है, मतलब इसमें से हम फोम केन इजीली लगा सकते हैं। ओके चलो ये भी मैं साइड में रखता हूँ। और ये कनेक्टर जैसे नॉर्मली होता है ना, जो क्विक कनेक्टर ऐसा लग जाएगा आपको इनपुट पाइप के लिए। ये देखो ऐसा टक करके आ जाना चाहिए, ये देखो टक करके आ जाए, ये हो गया इस तरह का। ये बाद में सीधा मशीन में कनेक्ट हो जाएगा वो। ओके ये भी साइड में रखता हूँ मैं। और ये बाद में बारीक सा पिन दिया हुआ है जो हम गन का जो नॉजल होता है ना, ये देखो ये जो नॉजल है इसको ऐसा इसको हम क्लीन करने के लिए, जो कचरा वगैरह गया तो इसके अंदर से आर पार डाल के क्लीन करने के लिए बारीक सा पिन दिया हुआ है। ओके बाद में ये थर्माकोल बॉक्स है, साइड में रखता हूँ मैं इसको। अरे हवा में उड़ के गया हो किधर वो, उसके बाद में मैं लेके आता हूँ मशीन। यस ये देखो ज़बरदस्त मशीन है वो। अरे यार थोड़ा मुझे लगता है ये इसमें ना क्या बोलते हैं वो सफ़र में ट्रांसपोर्ट में थोड़ा क्रैक हो गया लगता है, वो प्लास्टिक का बॉडी है तो थोड़ा फट गया है। चलो हम अभी चला के देखेंगे। देखो ये है मशीन, ये देखो अच्छा तो दिख रहा है, अभी बाद में चलाने के बाद मालूम पड़ेगा कितना कारगर है वो। ओके और अंदर क्या है, ये हेवी ड्यूटी पाइप इनपुट पाइप, हेवी ड्यूटी पाइप है वो। और ये एक बाल्टी के अंदर डालने वाला फिल्टर होता है, अगर आप बाल्टी से अगर आप पानी यूज़ कर रहे हो तो ये वाला यूज़ करने का, अगर आप सीधा नल से कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है बाद में इसको करने के लिए। चलो ये खाली बॉक्स, इसमें और कुछ नहीं है, अभी इसको मैं साइड में रखता हूँ। ये देखो ये मैंने आई मैक्स का जो है ना फोम केन भी अलग से ऑर्डर किया था, इसमें देखेंगे क्या क्या आता है। देखो हाँ एक्चुअली ये कंपनी वाला ने एक चीज़ अच्छा काम किया कि साथ में ये लोग क्विक कनेक्टर दे रहा है। ये देखो ये सब कंपनी वाला साथ में नहीं देते, ये देखो ये दे रहा है अच्छा, ये मुझे लगता है कुछ 1300 रुपये है, काफ़ी सस्ते में दे रहा है लोग। अभी परफॉर्मेंस कितना है वो ज़्यादा ज़रूरी है वो देखेंगे। ये देखो ये क्विक कनेक्टर दे रहा है अच्छा। चलो प्लास्टिक में अभी साइड में रखता हूँ प्लास्टिक को। ओके ये बॉटल ऐसा इसके अंदर लगा जाएगा, ये देखो ये ऐसा लग गया। ये मैं आपको दिखाता हूँ क्विक कनेक्टर कैसा काम करता है। देखो ये ऐसा ये सीधा हमारा गन पे लग जाएगा। ये देखो ये जो गन है ये हमारा सीधा इसको ऐसा ये लग जाएगा ऐसा। ये देखो ये थ्रेड में इधर लग जा, यस लग गया। ये देखो ऐसा ये लग जाता है। ये देखो तो मैंने फाइनली कनेक्ट कर लिया है वो। देखो ये मैंने पावर कॉर्ड लगा दिया इस मशीन के लिए और ये मेरा इनपुट पाइप, ये मैंने ग्रीन कलर का लगाया चलिए लंबा वाला, वो उधर 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 की टंकी है। ओके और ये जो लाल कलर का पाइप है ये बाल्टी में डाल के आप यूज़ कर सकते हो, मैंने इसको यूज़ नहीं किया, सीधा मैंने उसको ड्रम पे दूर किधर ड्रम है उस पर लगाया। और इस मशीन का गन और ये सोप डिस्पेंसर, ये फाइनली मैंने अलग से जो मैंने खरीदा ये फोम केन आई मैक्स कंपनी का ही है वो सब। चलो फुल कनेक्ट हो गया, अब हम आपको ये कार वॉश करके दिखाता हूँ। ये देखो ये जो कार है, ये देखो ये कितना गंदा है, मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। ये देखो ये देखो जो कार है ना बिल्कुल गंदा है। ये देखो आप ये देखो किधर इसने कुछ तो नाम लिखा किसी ने, देखो आपको दिख रहा होगा है ना, ये पूरा फंगस पड़ गया एक्चुअली, बहुत दिनों के कार को वॉश नहीं किया इस वजह से। ये देखो कार के ऊपर भी बिल्कुल गंदा है एक्चुअली, पता नहीं कैमरे आपको ठीक से दिख रहे कि नहीं। ये देखो ये सब हम बिल्कुल चकाचक करेंगे। ये देखो कैसा गंदा है। तो दोस्तों मैंने मशीन कनेक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, मशीन को चालू नहीं करेंगे, इसको सबसे पहले हम इसको बाहर निकालेंगे। ये देखो ऐसे हम बाहर निकालेंगे और बाद में ठीक से वहाँ से पूरा प्रॉपर से हवा आने दो, पानी आने दो, सब क्लियर जब प्रॉपर फ्लो होकर अच्छे से आने लग जाए उसके बाद हम इसको लगाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको चालू करेंगे। ओके चलो हो गया, तो अभी ये प्रॉपर मैंने कर दिया बिल्कुल, हवा सब निकल गया। मैंने थोड़ा वीडियो बीच में कट किया था कि वो क्लीन, मतलब आपको वीडियो लंबा ना बने, तो मैंने अभी क्लीन जब पानी आ गया तो हम इसको लगा देंगे। बाद में हम आप इसको देखेंगे
प्रेशर कैसा है क्या है? देखो ये बिना ये लगाए बिना तो उसको प्रेशर आएगा नहीं ना। ओके चलो अच्छा है, प्रेशर तो अच्छा दिख रहा है। देखो मैं आपको कार में भी अप्लाई करके बताता हूँ। ये देखो यस सही है। चलो प्रेशर अच्छा है। मैं आपको ये देखो ये भी आपको मैं क्लीन करके बताता हूँ। देखो इधर एक तुलसी का मंदिर है देखो। हाँ चलो अब हम इसको क्लीन करेंगे। एक्चुअली क्या बारिश है ना, फंगस आ गया, काला काला हो गया ना, तो इसको स्प्रे मार के बिल्कुल क्लीन करेंगे इसको। ये देखो बिल्कुल एकदम चकाचक हो गया साइड, वो साइड दोनों साइड बिल्कुल गंदा है, ये इधर बिल्कुल क्लीन हो गया एकदम। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फुल कार को अच्छे से पानी मारेंगे, फुल चक्के के नीचे भी जो भी मट्टी वगैरह फुल प्रॉपर क्लीन करेंगे। उसके बाद हम आपको कार में फोम स्प्रे करके बताएंगे, देखेंगे इस मशीन में से फोम कितना अच्छा क्रिएट कर पाता है। ये देखो ये टायर भी आपको दिख रहा है कितना गंदा है। देखो अंदर अंदर का दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो बिल्कुल मट्टी भरा है ना, चकाचक कर देंगे। देखना क्या फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा। यस ये देखो पूरा मट्टी जो है ना बिल्कुल क्लीन हो जाएगा अभी। ये देखो इधर इधर मट्टी लगा है और इधर नहीं लगा है, देखो आपको डिफरेंट दिख रहा है। ये देखो इधर जो है ना बिल्कुल क्लीन हो चुका है और इधर देखो मट्टी है, ये डिफरेंट है। अब मैंने पानी मार लिया है, अब हम यूज़ करेंगे फोम कैन, हम उसको फोम स्प्रे करेंगे। तो उसके लिए हम शैम्पू कौन सा यूज़ करेंगे, ऑटो स्पार्क। आप चाहे तो कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, मैं अभी आज ऑटो स्पार्क का यूज़ करने वाला हूँ। और ये जो भी प्रोडक्ट है आईमैक्स का जो भी प्रोडक्ट है, ये जो मशीनें हैं वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके खरीद सकते हो। तो दोस्तों फाइनली मेन टाइम आ गया है आईमैक्स मशीन के साथ। ये देखो उसका फोम कैन और मैंने 100 ml शैम्पू डाला और बाकी फुल पानी भर दिया। एक्चुअली आप 1 लीटर अगर आप पानी ऐसा रेडी करोगे तो दो बार आप कार वॉश कर सकते हो, पर एक्चुअली मैं तो एक ही बार में पूरा ख़त्म करता हूँ, कि वीडियो थोड़ा प्रॉपर बनाने के लिए ना ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब बार बार स्प्रे करना पड़ता है ना, तो खाली हो जाता है। नहीं तो आप तो दो बार यूज़ कर सकते हैं, एक बार फुल भर के ऐसा 1 लीटर के लिए। ओके अभी स्प्रे मार के देखते हैं, पहले चक्के में मारेंगे पहला। ओ हो सही है सही है, अब पूरा कार को मारेंगे। ये देखो वाओ ये देखो मेरे को एक्चुअली मेरा बोलती बंद हो गया मेरा आज बोलती बंद हो गया। मैं आपको कैमरा नज़दीक ला के दिखाता हूँ, मस्त गाढ़ा गाढ़ा शैम्पू। ये देखो कैसा गाढ़ा गाढ़ा शैम्पू बिल्कुल स्लो मोशन में गिर रहा है। ये देखो मस्त एकदम, मतलब ये जो आईमैक्स का जो मशीन है अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस शैम्पू के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है वो शैम्पू। ये देखो ये जो स्लो मोशन में गिरता है ना, ये सबसे मतलब मेन पार्ट होता है। देखो स्लो मोशन में गिर रहा है, जैसे आपने फोम स्प्रे किया और फटाक से गिर गए तो बाद में मज़ा नहीं है उसमें, ऐसा स्लो मोशन में गिरना चाहिए। ये देखो स्लोली स्लोली ऐसा। दोस्तों तो पूरा अभी शैम्पू मार दिया है, अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा उसको कपड़ा मारेंगे।
कौन सोचते हैं ना कि फुल फॉर्म मारो कुछ भी मारो, अगर कार अगर ज़्यादा गंदा है ना तो आपको कपड़ा मारना ही पड़ेगा। कौन सोचते हैं ना कि बाबा नहीं है खाली शैम्पू मारो बाद में कार चकाचक क्लीन, वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। देखो फॉरेन कंट्री में देख रहे बड़े बड़े मशीनें रहता है, रोल रहता है, वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ना, बड़े बड़े रोल ऐसा कार बीच में जाता है और चारों ओर से गोल गोल घूमता है घूमता है, बाद में मैंने बड़े बड़े सेटिंग है देखो मतलब कार वॉशिंग करने के लिए। अगर खाली बस फॉर्म स्प्रे बस खाली शैम्पू मारो ऐसा और बाद में कार टच ले मतलब बस टच करने की जरूरत नहीं चकाचक क्लीन हो जाएगा। अगर ऐसा होता था ना तो फिर लोग पाँच पाँच दस दस लाख रुपये खर्चा करके बड़े बड़े मशीनें नहीं लगाते थे कार वॉश करने के लिए, बस ऐसा ऐसा बस हज़ार रुपये का अगर शैम्पू लेके आते थे और बाद में पूरा कार को मारा बस चकाचक क्लीन, कितना आसान होता था। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, 100% टचलेस नहीं होता है कौन सा भी शैम्पू में, थोड़ा बहुत हो जाता है जो महंगा शैम्पू उसमें, पर एक्चुअली 100% ज़्यादा गंदा रहेगा कार तो फिर वो कौन सा भी शैम्पू से काम नहीं होता है, ऐसा आपको हाथ थोड़ा ऐसा मानना ही पड़ेगा। दोस्तों अब कपड़ा मार के हो गया, अब हम इसको सीधा पानी मार के क्लीन कर लेंगे। तो दोस्तों कार जो है ना वॉश हो गया, अब हम क्या करेंगे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से आराम से थोड़ा सा इसको फुल कार को जो है थोड़ा सा ऐसा पोंछ लेंगे ताकि बाद में इसमें वाटर ड्रॉप्स ना आए, इसलिए इसको ऐसा फुल कार को हम इसको प्रॉपर से पोंछ लेंगे इसको। ये देखो कार बिल्कुल चकाचक हो गया है, ये देखो मैं आपको इधर ये साइड से भी दिखाता हूँ, ये देखो चमक रहा है बिल्कुल एकदम कार, ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, मस्त हो गया एकदम। तो एक्चुअली ये मशीन बहुत ही सही है। तो दोस्तों ये जो IMAX का जो कार वॉशर मशीन है, ये देखो ये फोम कैन भी है और ये जो मशीन है मैंने फुल कार वॉश करके दिखा दिया, बहुत ही सही काम कर रहा है, तो आप ये वाला मशीन ले सकते हो, प्रेशर भी सही है। ये जो मशीन है ये 1800 वाट का मशीन है और फुल डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं, अमेज़न का लिंक दे दूंगा वहाँ से जाकर देख लेना, पूरा फुल डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। 1800 वाट का मशीन है, 120 बार है और कई सारा जो भी है स्पेसिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे प्रॉपर। तो मैं आपको वीडियो में क्या दिखाने को ट्राई करता हूँ कि भाई ये प्रेशर कितना है परफॉर्म कैसा करता है वो मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ वीडियो में, वो आपको ज़रूरी है जानना, क्योंकि देखो वो वहाँ पर अमेज़न पे लिखा तो नहीं होगा ना भाई कैसा काम करता है कितना परफॉर्म करता है, वो आपको कैसे पढ़ने से कैसे मालूम पड़ेगा, लाइव देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना, तो मैं वो चीज़ दिखाने को ट्राई करता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।